तो भाई हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, शाही पनीर। बज रहे हैं रात के 10, बाहर स्नोफॉल भी हो रहा है जी। क्या हाल चाल? देखो 5 फरवरी है, स्नोफॉल हो रहा है। ये है मनाली में हम लोग, सारिक भाई। मनाली में मजा आ रहा सारिक भाई? एक आड़ पटी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो ये है मनाली का पार्ट 1 व्लॉग। हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय मनाली में। वेदर देख सकते हो एट अ टॉप, कितना अच्छा वेदर है। स्नोफॉल आज हुई थी और आई होप कि आज शाम को भी हो। हम लोग जा रहे थे होटल की तरफ। होटल का नाम है हमारा हिमालयन विला और ये यहाँ वॉल्वो स्टैंड से 10 से 15 मिनट का रास्ता है हमारा। हमने की थी एक कैब जो हिमालयन विला की मांग रहे थे 1200 रुपये 4 पर्सन के, लेकिन हमने उनको दिए थे 900 रुपये। व्यू देखो आप, कितना ही शानदार व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे अपने होटल पे, ये हमारा होटल है, क्या नाम है इसका? हिमालय विला। चलो बर्फ देख रहे हो बाहर, चलो, चलो। ये देखो बर्फ भाई, बर्फ देखो बर्फ। इस बार मनाली कश्मीर में थोड़ा लेट स्नोफॉल हुआ, लेकिन बहुत हुआ है, हद से ज्यादा हुआ, हद से ज्यादा। होटल अच्छा है, यहाँ से माल रोड 5 किलोमीटर बताया जा रहा है। आप अगर मनाली आते हो तो मनाली में आपको वॉल्वो जहाँ पे उतारती है, वॉल्वो दिल्ली से 1000 रुपये लेती है, और फिर 4x4 से हम यहाँ होटल तक आए। 4x4 ने पर पैसेंजर लिया 300 रुपये। भाई चेक करो भाई, बर्फ चेक करो, बर्फ। वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। शारिक भाई, ये हमारे शारिक भाई बर्फ का मजा ले रहे हैं। हम लोग को रूम नहीं मिला अभी, गिर जाए गिर, रूम नहीं मिला हम लोग को अभी। गाड़ी इस तरह से आ रही, इतना ही रास्ता है बस। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ, कहाँ से कैब मिलेगी, कहाँ से आप वॉल्वो बस कर सकते हो, पैकेज कितने का था और कितने कम पैसे में आप मनाली 3 डेज 4 नाइट का पैकेज लेके एंजॉय कर सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं पूरा डिटेल दूंगा आपको, फिर से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? बाकी आप वेदर चेक करो। फाइनली हमको रूम हमारा मिल चुका है। ठंडी बहुत हो रही है, स्नोफॉल नहीं हो रहा लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हुई है। आई होप कि स्नोफॉल भी हो जाए। रूम दिखाता हूँ आपको, ये रूम से बाहर का व्यू है, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। पैसा देखो कितना खूबसूरत व्यू है डार्लिंग। वाह क्या सीन है, सारिक भाई ठंडी कैसी हो रही है? माँ कसम ठंडी बहुत हार्ड की हो रही है भाई, इस तरह गिर रहा है। ठंडी बहुत हो रही है, बहुत ठंडक हो रही है। भाई ना 402 रूम नंबर 402
बैग रख दिया है, लगेज आ रहा है हमारा, बाथरूम भी देख लो आप, बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ का बाथरूम है, लाइट नहीं आ रही है। वाओ ब्यूटीफुल, देख सकते हो आप कितना अच्छा बाथरूम है। ₹6500 में भाई बढ़िया रूम है, सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक तो। बस थोड़ा आने में प्रॉब्लम हुई, हम लोग दिल्ली से करते टूर तो ज्यादा अच्छा था, चंडीगढ़ में प्रॉब्लम हुई थोड़ा हम लोग को। आगे मिलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। हाँ जी भाई, हम हो चुके हैं रेडी और बज रहे हैं 3:15। कैब वाला हमारा आया, खुद जाएंगे। 3 बज रहा है, देखते हैं क्या, स्नोफॉल का कोई चांस है नहीं, हल्की हल्की धूप है, मौसम ठीक ठाक है, वैसे भी बर्फ बहुत है, सारी गाड़ियां बंद है, अटल टनल ये सब सब कुछ बंद है, शारिक भी रेडी हो चुका है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी मनाली का तो आज पहला दिन है, कल दूसरा, इंशाल्लाह हम 2 ही दिन रुकने वाले हैं, क्योंकि काम भी छोड़ के आए बहुत सारा अपना, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना हमको। और बताओ बाकी सारे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। व्लॉग थोड़ा अपना लेट हो जाता है आने में, अजमेर गया था, अजमेर के भी सारी व्लॉग अभी डाल नहीं पाया हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे थोड़ा सा प्यार और जताओ, मोहब्बत जताओ, अपने भाई को सपोर्ट करो, तो अपना भी कुछ और अच्छा हो सकता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अच्छा है, अल्लाह का करम है, सरकार मदीना की दुआएं हैं, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, -15 है यहाँ पे ठंड। बैगन दिखाते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, देखो आप, चेक करो माल रोड है। अगर आप पहली बार कश्मीर या मनाली जा रहे हो, अगर बर्फ पे चलना नहीं आता, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि बर्फ पे बहुत ही आराम से चलिए, क्योंकि अगर आप जरा सा भी स्लिप करें या जरा सा भी आप फास्ट चले, तुरंत आप मुंह के बल धड़ाम से गिरोगे, चोट लग जाएगी आपको बहुत अच्छी वाली। तो बर्फ पे बहुत आराम से चलिए, अगर आपके पास शूज़ अच्छे नहीं है तो बर्फ़ पे चलने के लिए शूज़ मिलते हैं रेंट पे, 100 रुपये 50 रुपये के हिसाब से, तो आप शूज़ ले सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ है, तो इस पर बहुत आराम से चला जाता है। ये है यहाँ का मनाली का माल रोड, देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, अच्छी खासी बर्फ़ हुई थी 5 फरवरी को, बर्फ़ बहुत अच्छी खासी हुई थी 5 फरवरी को, और आज शाम को भी आई हो, स्नो फॉल हो, लेकिन इतनी बर्फ़ नहीं है, आप समझो 1-2 फीट भी बर्फ़ नहीं है, बस इतनी बर्फ़ है कि सड़क पूरी ढकी हुई है। तो हम लोग आ गए चाय सुट्टा बार, दिखाते हैं आपको, चलते चाय वाय पीते। ये देखो भाई, क्या बोलते हैं भाई इसको, 50 रुपये की 20, 1 ये लो पैसे पकड़ो पहले, 1 मिनट। ये देखो मनाली के गुलाब जामुन, टेस्ट कैसा है पता नहीं, चेक करते हैं, खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। ब्रो सारे
ये देखो इसको गुलाब जामुन दिखाया, भागता चला आया। पकड़े का पूरा भाई मेरा चेक कर रहा है। ओ भाई, ओ भाई कैसा है, एक पकड़ो ना। अच्छा का 50 रुपये भाई। चूतिया बनाया तुमको, चूतिया बनाया तुमको 50 रुपये लेके आया कौन। ठगों से दूर रहे, 50 रुपये ले लिया, बोला 20 गुलाब जामुन मिलेंगे, पता नहीं क्या पकड़ा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6, हम लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ। शारिक भाई किधर हो? ये हमारे शारिक भाई। और आप वेदर देखो, मतलब एकदम से मौसम खराब हो चुका है, एकदम से मौसम खराब है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एकदम मौसम खराब हो चुका है। यहाँ 6 बजे के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बर्फ़ एकदम से रोड पे चिपक जाती, गाड़ी गाड़ी चल नहीं पाती है। आज मनाली का पहला दिन था हमारा, कंप्लीट हो गया। इसके बाद जाएंगे हम लोग होटल, करेंगे वहाँ पे डिनर, फिर कल सुबह देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, क्या हाल चाल। स्नोफॉल हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8। बड़ा बड़ा गिर रहा है, ये देख रहे हो स्नोफॉल हो रहा है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये स्नोफॉल हो रहा नहीं हो रहा भाई साहब, स्नोफॉल हो रहा है। डेट है 5 फरवरी। मैंने कहा था आपसे शाम को, आई होप स्नोफॉल होगा। तो आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रहा है, लाइट आ जाए फिर हम लोग नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्नोफॉल। अब आज हुआ है भाई, तो कर लीजिए, लाइट आने का इंतजार है भाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जिसके लिए आए थे वो आज हो रहा है स्नोफॉल, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। अभी हम लोग नीचे भी जाएंगे और नीचे का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो मंजर दिख रहा है यहाँ से वो शायद यहाँ पे ना दिखे, लेकिन आगे जाने के बाद वो मंजर दिखे आपको, वो एक नंबर चीज़ दिख रही है। बाहर थोड़ा लाइटिंग और आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा आपको। वीडियो हम बनी जी, क्या हाल चाल। देखो 5 फरवरी है, स्नोफॉल हो रहा है मस्त वाला। शारिक भाई हमारे बहुत खुश हैं, ये स्नोफॉल ही देखने आए थे। फुल मज़े ले रहा लड़का, बहुत मज़े, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये देखो स्नोफॉल, ये देखो आप। अरे है तो भाई हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, बज रहे हैं रात के 10, बाहर स्नोफॉल भी हो रहा है। मैं जिस टूर पैकेज में आया हूँ मैं उसका नंबर डाल देता हूँ, राही ऑन रोड, बहुत अच्छा पैकेज है। आप लोग जब भी मनाली आना तो उसी पैकेज से आइएगा। और कुछ लोगों को तो यहाँ चढ़ती नहीं है। ये भाई आपका क्या नाम है? हिमांशु भाई हमारे डॉक्टर साहब। और ये डॉक्टर, हाँ, और कुछ लोगों का फेस मुझे कवर नहीं करना। समझ रहे हो ना नेक्स्ट पार्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट आएगा माल रोड का, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू। पहुंची गई।